साथ तन्वी सूद। सलमान खान इन दिनों हर किसी को 10 कदम खिलाने में लगे हुए हैं। पूरे 10 साल बाद सलमान ने शो की मेजबानी वापस संभाली है, लेकिन अपने नाम की तरह 10 का दम इस बार अपना दम दिखाने में कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। बता दें कि जब से भाईजान का ये गेम शो ऑन एयर हुआ है, तभी से टीआरपी में आने के लिए तरस रहा है, लेकिन ऐश्वर्या की बदौलत सलमान की लाज बच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कैसे, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल पहले शो में सिर्फ आम जनता ही आती थी, लेकिन अब मेकर्स ने शो पर सेलिब्रिटीज को बुलाना शुरू कर दिया है, साथ ही शो को एक्सटेंड कर दिया गया है। बीते दिनों से ही शो पर कई सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, इसी के चलते अब शो को फायदा हुआ है। जी हाँ, आखिरकार शो टीआरपी लिस्ट में शामिल हो ही गया। हाल ही में शो की टीआरपी लिस्ट सामने आई है, इसमें शो 20वें पायदान पर है। बीते दिनों ही सलमान के शो में अनिल कपूर अपनी फिल्म फन्ने खान का प्रमोशन करने गए थे, तब शो में ऐश्वर्या राय बच्चन का खूब जिक्र हुआ था। हर तरफ से खबरें हैं कि सलमान के शो में ऐश्वर्या पहुंची हैं, इसी के चलते मीडिया में भी खूब सुर्खियां बनी, साथ ही लोगों ने इस एपिसोड को भी काफी पसंद किया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ऐश्वर्या ने सलमान के शो की लाज बचा दी। कल देखना तो अभी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान का ये शो आने वाले दिनों में भी टीआरपी में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। वैसे आप 10 कदम 3 के कितने बड़े फैन हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सलमान दुआ है पिता के मेरा पति चल जाए बस। सलमान, यू वांट टू कंप्लीट योर क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू द अदर वन? ओहो, बैक टू भरत दाबोलकर। ओके, वी विल गो। अच्छा अच्छा, ओके। आई एम नॉट, मैं अखबार पढ़ नहीं रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, इन्हीं चीजों में मैं बिजी हूँ, तो जब मैं पढ़ लूंगा तो मैं आपको फोन करके इसका जवाब जरूर दूंगा। सलमान, सलमान आपके दाहिने ओर। सलमान जी, प्रशांत ईटीवी से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में आपने कहा कि जो पहली फिल्म होती है किसी भी एक्टर के लिए जिसे लॉन्च किया जाता है, वो तो एक ऐसी चीज़ है जहां वो उसे प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके बाद उसके आगे की उसका सफ़र अपना होता है। हाल फिलहाल या पिछले 10-20 सालों में ऐसा वो कौन सा एक्टर रहा है जिसे आपने देखा हो और आप फख्र महसूस करते हो कि इंडस्ट्री को ऐसा टैलेंट मिला? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री इज गोविंदा गोविंद, ही इज फिनोमिनल। वरीना, आकाश सिने स्पीक से। सो बॉलीवुड में सलमान खान, सलमान सर से मिलना इज और उनके साथ काम करना एक काफ़ी बड़ी बात है। और जब भी आपको पता चला कि आप सलमान खान की कंपनी के साथ जुड़ने वाली हैं, सलमान खान के प्रोडक्शन के साथ जुड़ने वाली हैं, आपका रिएक्शन क्या था? और फिल्म के दौरान सलमान सर ने क्या क्या कहा आपको, क्या टिप्पणियां दी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बॉलीवुड में? सच सच बोलना, दिल खोल के। ओके, सो सलमान सर इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी पर्टिकुलर, एंड ही मेड मी गो थ्रू मिलिट्री ट्रेनिंग। मैं 4 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हाँ, आई सिंपथाइज विद यू। Well, I am truly blessed for this opportunity. मेरे जैसे काफ़ी और लड़कियाँ थी जिन्होंने ऑडिशन दिया था, खूबसूरत टैलेंटेड, बट दिस अपॉर्चुनिटी हैज़ बिन गिवन टू मी एंड सलमान सर हैज़ बिन एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड माई लाइफ हैज चेंज्ड एंड हाउ फॉर मी ही इज़ अ रियल लाइफ हीरो। थैंक यू सर। शी इज़ अ गर्ल ऑफ फ्यू वर्ड्स। यू कंटिन्यू। तो सलमान, लव की बात चल रही, अगर आप हमें अपना ड्रीम लव बता सकें तो। देखो, ड्रीम लव का ये चक्कर है कि ड्रीम में आती है वो सुबह को जब उठता हूँ तो याद ही नहीं होता है। Okay. मेरा ड्रीम लव है भाई, मैं तुमसे काय को शेयर करूं कि मैंने आपसे पूछा है कि आपका ड्रीम लव भाई मुझे बता दो कि कौन है,
ना ना ओके थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन We're going to, you know, call it a day for questions now, but it would be so nice to have a few very special people on stage so all of you could get a lovely photo opportunity. So we would like to invite on stage.